हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट की जिसमें पर ईयर बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप के, सवा लाख रुपए मिलेंगे। और इसका एग्जाम कौन करा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम करा रही है। नाम क्या है इसका? एग्जाम का नाम है PM-YSSV प्रवेश परीक्षा 2023। इसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, सारी डिटेल बताऊंगा कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? दो कैटेगरी में फॉर्म भरे जाते हैं, क्लास 9th में जो बच्चे आए हैं, मतलब कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पास कर चुके हैं वो, और जो कक्षा 11वीं में आए हैं। तो उन बच्चों के लिए भाई देखे, मैं बता दूं, जहां आप देखते हैं कि वेरियस चीज़ें रहती है कि भाई वहां पे 2 लाख रुपए में एडमिशन ले लो, 3 लाख रुपए में एडमिशन ले लो, लेकिन कुछ ऐसी भी तो चीज़ें हैं जहां पे 1.25 लाख रुपए बच्चे को मिल रहे हैं। और 1.25 लाख रुपए मुझे लगता है एक 9th क्लास के बच्चे के लिए, 11वीं क्लास के लिए बच्चे के लिए बहुत है, 1 साल के बहुत है। उसमें वो आराम से कोई भी किसी भी अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले सकता है। तो और इसका एक सामान्य सा पेपर है, वो पेपर का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा मैं। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करा रही है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और परीक्षा की तिथि है भाई 29 सितंबर को एग्जाम हो रहा है, 29 सितंबर को पूरे भारत में एग्जाम हो रहा है। पूरा शेड्यूल हम देखेंगे, डिटेल देखेंगे पूरी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी पूरी अगर मैं बात करूँ इसका पेपर का, एग्जाम का पैटर्न कैसे तैयारी होगी, सब कुछ जो भी इसका बनेगा वो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। PM-YSSV जो आपका ये स्कीम है, चलिए इस स्कीम के बारे में डिटेल से देखते हैं अब क्या क्या है। अभी देखो ये अगर मैं इसको, चलो इसका मैं वो खोल लेता हूँ जो इसका नोटिफिकेशन आया है, पूरा नोटिफिकेशन हम लोग खोल लेते हैं। यस, ये लो भाई, ठीक है, ये है भाई। देखो क्या नाम है, वाइब्रेंट इंडिया हेतु PM यंग अचीवर्स। PM-YSSV की फुल फॉर्म क्या है? PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये है पूरा, हिंदी में मैंने नोटिफिकेशन खोला है। PM-YSSV स्कीम साफ है, देख रहे हैं ये रहे, ठीक है भाई। क्या है यहाँ पे? PM-YSSV स्कीम, ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन इसलिए खोला है, मैं इसको दिखाऊं। और इसको कौन सा जो ये स्कॉलरशिप है, ये कौन सा डिपार्टमेंट देगा? वो देगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। वहां से स्कीम की पैसे वहां से मिलेंगे। NTA का इससे कोई मतलब नहीं, NTA तो इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। NTA क्या करेगा? इसका एग्जाम पेपर कंडक्ट कराएगा। चलिए देखते हैं भाई पूरा क्या सिस्टम है, नीचे चलते हैं भाई। नीचे अगर मैं आऊं तो इसका पूरा देखो, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो इसको कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या क्या करा रही है देखो। तो इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, सामान्य परीक्षा की पद्धति, परीक्षा की योजना, परीक्षा कार्यक्रम की सारण, अंक, नंबर, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन इसको भर सकते हैं, सारी चीज हम एक एक करके देखते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। पहले तो जरा इस पे ध्यान दो, इस पे आ जाओ जरा। ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम मतलब फॉर्म वगैरह भरने का कार्यक्रम, ठीक है, इसको और कोई कार्यक्रम मत समझ लेना, ठीक है भाई। ये वो वाला कार्यक्रम है, देखो चलो देखते हैं क्या क्या है। हाँ यहाँ पे आओ, ठीक है, चलिए। सबसे पहले आवेदन पत्र भरने जमा करना कब से? 11 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से भरे जा रहे हैं भाई? 11 जुलाई से फॉर्म, सबसे पहले तो ये बात हो गई। लास्ट डेट क्या है? 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है, क्लियर। अच्छा, अगर यहां देख परीक्षा की तिथि वो क्या है भाई, 29 सितंबर है। और पेन पेपर OMR बेस की होगी, OMR बेस कितने होंगे, MCQ परीक्षा कैसी होगी, MCQ फॉर्मेट की होगी, और 2.5 घंटे उसके लिए समय होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा परीक्षा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा सा और, ये मोटी मोटी चीजें हो गई। हाँ ये सारे देखो, फोटो वगैरह अपलोड करने हैं, फॉर्म भरने का तो तरीका होता है, वो तो करना ही है आपको, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, फॉर्म तो भरा ही जाएगा। यदि कोई छात्र झूठे बयानों से छात्रवृत्ति प्राप्त करता पाया जाता तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि देखो इसमें ये सब, ये इसमें कुछ कैटेगरी वाइज मिल रही है। कैटेगरी वाइज किसको मिल रही है उसको देखो जरा, किसको मिलेगी ये किसको मिलेगी, ये है भाई किस कैटेगरी के लिए है, सबसे पहले देखते हैं। एक तो जो बच्चा OBC कैटेगरी का है उसके लिए है, किसके लिए, OBC कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है ये, ध्यान रखना। ये किसके लिए है? एक तो बच्चा भाई OBC कैटेगरी के लिए है। EBC है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब आपका EWS जो है, EWS कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में भी एक कैटेगरी है EWS, उसके लिए है। तो OBC हो गया, EBC हो गया, और DNT हो गया, ठीक है, डॉट ट्रेबल वाला होता है।
डी नोटिफाइड ट्रेबल्स, ठीक है, वो हो गया। तो ये इनको मिलेगी, मतलब ओबीसी कैटेगरी हो गया, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, इसके अलावा में ईबीसी हो गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और डीएनटी ट्राइब, इनके लिए है स्कॉलरशिप स्कीम। क्लियर? चलिए, इसमें कितने रुपए मिलेंगे वो भी मैं आगे दिखाता हूं, कितने रुपए मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब चीज में देखो। हाँ, यहां से आ जाओ। छात्रवृत्ति का पुरस्कार दो स्तरों पर होगा, कौन कौन सा? एक होगा भी बच्चों आपका किसमें, एक होगा आपका ये वाला कक्षा 9, और एक लिखा है कक्षा 11, कक्षा 9 और कक्षा 11, ठीक है, क्लियर। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसको दिखाता है, वो तो होता ही है, सारी उनको तो वही कर रहा है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, एनटीएस की परीक्षा कराएगी, ये बात हम कर चुके हैं पूरी। अब आ जाओ, देखो ये बहुत जरूरी, परीक्षा की योजना, परीक्षा का किस तरह का, ये है असली, क्योंकि देखो भाई स्कॉलरशिप तो तभी मिलेगी जब परीक्षा पास करोगे। और मैं बता दूं आपको, मैं ये क्यों लेके आया हूं, ये सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का जो कक्षा 9 का पेपर हो रहा है ना, उसके स्तर से बहुत ही कम लेवल का पेपर है। देखो ध्यान से देखो, गणित 30 क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है, 30 क्वेश्चन, एक नंबर का है 30, ऐसे ही विज्ञान 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, सामाजिक विज्ञान 25, और आपका सामान्य अभिज्ञता ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20, टोटल 100 मार्क्स का है। समय है पूरा आपका एक कितना, 2.5 घंटे समय है, समय की भी कोई कमी नहीं है। और अगर आप इसको मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल के पेपर से देखो, एनटीए वाला जो कराता है, मुझे लगता है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और 35% मार्क्स आने जरूरी है, अगर किसी बच्चे को के 35% मार्क्स नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो 35% मार्क्स आने जरूरी है, फिर उसका ऑर्डर वाइज लगेगा, तो फिर वो मिलेगी स्कॉलरशिप बाद में। ये रहा 29 तारीख को इसका पेपर हो रहा है, माध्यम हिंदी इंग्लिश में होगा। देखो यार, एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% मार्क्स लाने होंगे तभी वो उत्तीर्ण होगा। परीक्षा जिले शहर में क्या होगा, देखो ये होगा, हाँ, केंद्र का कंप्यूटर द्वारा तो होता है, चलो वो तो एडमिट कार्ड वगैरह तो आएंगे। क्लियर? अच्छा, आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसे ओबीसी या ईबीसी श्रेणी संबंधित, उन्हें निर्धारित टॉप क्लास स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए, ऐसे विद्यालय की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्हें 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। चलिए, ये कक्षा 9 के लिए आवेदन करने वाले, हाँ भाई देखो, कक्षा 9 के लिए जन्मतिथि क्या होनी चाहिए, ये वाली 1/4/2007 से लेके 31 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2007 से लेके, ये डेट ऑफ बर्थ है भाई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है तो फिर दिक्कत में आ जाए, फिर नहीं होगा ये। चलो तो देखते हैं क्या है, देखो कक्षा 9 के लिए क्या है, डेट ऑफ बर्थ ये है 31 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2011, और कक्षा 11 के लिए 1/4/2005 से लेके 31 मार्च 2009, दोनों दिन। लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन के पात्र हैं, लड़कियों के लिए आवश्यक पात्रता लड़कों के पात्रता लड़कों के ही समान है, जो गर्ल्स के लिए है वही बॉयज के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसमें और क्या है। फिर ये फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए भी इन्होंने दे रखा है कुछ, वो भी कर सकते हैं बच्चे, उनको भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, और तो मुझे तो लगता है भाई इससे अच्छा क्या रहेगा, PMSSB स्कीम, ठीक है, ये बता ही रहे हैं, फोटो वगैरह अपलोड कर लेने हैं, और इसमें सारी चीज़ें है ही, मोबाइल नंबर वगैरह, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। आप फॉर्म कैसे भरो, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। और ये ठीक है भाई, पेपर वगैरह होगा तो नकल वगैरह नहीं करनी, सारी लिखी हुई है चीज़ें। परीक्षा का संचालन एनटीए करा ही रही है, परीक्षा का, परीक्षा के केंद्र, ये है भाई परीक्षा के केंद्र भी है, पूरे भारत में है परीक्षा के केंद्र, पूरे भारत में परीक्षा होगी, परिणाम आएगा फिर उसका, ठीक है। OMR वगैरह सब अपलोड करी जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है। टाई अगर हो जाता है तो पहले गणित के नंबर देखे जाएंगे, अगर दो बच्चों के समान नंबर है तो उसमें गणित को देखा जाएगा। ये तो है ही, ठीक है, ये हो गया परिणाम। एक साल के लिए रहेगा वैलिडिटी इसकी, मतलब ये स्कोर कार्ड एक साल के लिए ही है, ठीक है। हालांकि जो देखो ये है भाई सेंटर, एग्जाम सेंटर, हर जिले, हर राज्य वाइज एग्जाम सेंटर इन्होंने दे रखे हैं,
आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, बिहार में, गुजरात में, सारे राज्यों में एग्जाम सेंटर है और लगभग जिले वाइज हर सिटी में एग्जाम है। तो कहीं दूर भी नहीं जाना, कहीं दूर नहीं जाना, पूरे भारत में एग्जाम सेंटर है ये, ठीक है। अपना एग्जाम सेंटर उसी हिसाब से डाल लेना जो आपके पास हो गए। फिजिकल लिमिटेशन अगर किसी बच्चे का भाई पीएच बच्चा है तो वो अपना फिजिकल वो देगा, उसके साथ कोई राइटर वगैरह जाएगा। सर्टिफिकेट पर से ये हो गया, पीडब्ल्यूडी वाला हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी में है वो। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये होते सारे अपलोड होंगे, वो तो देने ही हैं। और ये हो गया भाई रेप्लिका एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसको करके अपलोड कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन पेज है ये सारा कुछ, कैसे फॉर्म भरना है ये दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने का तरीका, कैसे आप फॉर्म भरेंगे। ओटीपी वगैरह आएगा, मोबाइल नंबर पे रजिस्टर, जैसे आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं ऐसे ही देखो पीएमएसएसवी करके इन्होंने दिखा रखा है। ये ऐसे ही पूरा फॉर्म भरा जाएगा और पूरा फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको फिर ये देखो पूरा सारी एग्ज़ाम डिटेल्स हैं, ये सारी मैसेज वगैरह आएगा सारा। ये भाई ये तो सारी डिटेल दिखा रखे भाई कैसे फॉर्म भरना है, इन्होंने बता रखे भाई फोटो लगेगा आपका, आधार जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। हाँ ठीक, तो मुझे लगता है कि भाई अब ये एक मौका है, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ये एक इसका और है, इस योजना के अंतर्गत ओबीसी समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी महाविद्यालय में प्रीमियम शिक्षा, ठीक है। ये पीएमएसएसवी योजना है, इसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है भाई, ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इसमें करते हैं तो इसमें ये मान के चलिए सरकार ही आपका सारा खर्चा उठाएगी। और एक छोटा सा पेपर है, जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई उनके लिए तो बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या पीएमएसएसवी स्कीम, इसकी भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा अभी हॉस्टल का के लिए अभ्यास चला हुआ, अभ्यास बैच, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेवल का, बड़े लेवल का अभ्यास है, क्लियर। तो आप हमारे हॉस्टल से जुड़ सकते हैं और या आप लाइव तैयारी कर सकते हैं, लाइव कोचिंग भी अवेलेबल है। दो तरीके से देखो हमारी एकेडमी में तैयारी होती है, मैं बता दूं, वन इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में नंबर लिख रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे 7088 2711। हमारे एजुकेटर आपको गाइड करेंगे प्रॉपर की कैसे तैयारी करनी। और दूसरा है अकेडमी, मतलब हॉस्टल में तैयारी करना, ठीक है। और हॉस्टल में हो जाएगा 9528 2711। अब देखो ये जो पीएमएसएसवी स्कीम है, जो बच्चे भाई देखो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से सैनिक स्कूल के अंदर ही तो आ गई, उसकी सिलेबस तो कुछ भी नहीं है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के सिलेबस के सामने, तो भाई वो इनमें से दोनों माध्यम से इंक्वायरी ले सकता है और इनमें जुड़ जाइए, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर भी निकल जाएगा और एक स्कॉलरशिप का पेपर भी निकल जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छे क्या है, इससे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि भाई फिर पैसे ही नहीं खर्च होंगे। 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप 9th के लिए है और 1,25,000 की स्कॉलरशिप किसके लिए है, 11th क्लास के लिए है, क्लियर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।